सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट स्टूपिडली एंड अनफेयर हार्डकोर मोड पैक जो अभी तक मैंने देखा है। इस माइनक्राफ्ट में आप लोग कुछ ऐसे क्रिएचर्स और एंटिटीज को देखोगे जिनको सिर्फ कल्पनाओं में देखा गया है। माइनक्राफ्ट में वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये आप लोग इस वीडियो में देख लोगे भाई। और क्या मैं इस खतरनाक से वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉब्स है वो चारों तरफ से आपको घेर लेंगे। ऊपर से मैं हूँ हार्डकोर में, मगर ये हार्डकोर थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि अगर मेरे को कोई भी डैमेज देता है तो मैं उसको रीजनरेट नहीं कर पाऊंगा, और रीजनरेट करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। और हाँ, इसमें टोटम ऑफ अंडाइंग और इंचेंटेड एप्पल बैन है। तो सोचो भाई कैसे ही मैं इसमें 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा। कहने को तो ये 100 डेज की सीरीज है, बट मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए रियल लाइफ के 3 डेज यानी कि 72 आवर्स मिलेंगे। तो भाई 72 आवर्स में मैंने क्या बनाया है देख लेना आप इस वीडियो में, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी गाइस सुनामी। गाइस इस मोड पैक में एक ऐसा इवेंट होगा जो कि आपको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो क्या गाइस वो सुनामी आने से पहले मैं इसमें 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, वो भी रियल लाइफ के 3 डेज से पहले। तो चलिए देखते हैं। ओके भाई, तो मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका था और मैं अभी सबसे खतरनाक वर्ल्ड में हूँ, यानी कि एक ऐसी हॉरर जगह पे जहाँ पे मैं एक बार डैमेज लेने के बाद अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता। और मेरे पास टोटली 10 लाइफ है इस वर्ल्ड में। तो मेरे को सबसे पहले इसमें चीज देखनी होगी रीजनरेशन की। क्या मैं रीजनरेशन का पोशन बना सकता हूँ? यस गाइस, मैं रीजनरेशन का पोशन बना सकता हूँ, बट यार उसको बनाने के लिए मुझे या तो वाटरमेलन चाहिए होगा, जिससे कि मैं ग्लिसरीन वाटरमेलन बनाऊंगा और इंस्टेंट हेल्थ का पोशन बना लूंगा, या फिर रीजनरेशन जो कि गास्टियर से बना सकता हूँ। तो ये 2 ही तरीके से मैं इसमें रीजनरेशन के पोशन बना सकता हूँ। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट है इसमें, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले ये क्या है भाई, द एंड ऑफ। ओ भाई डराओ मत यार, ये कैसी नोटिफिकेशन है, क्यों हिला डाला ना। एक स्कैरी अचीवमेंट के बाद मैंने बहुत सारे लोग इकट्ठे किए, क्योंकि मैं भाई चाहता था कि मेरे पास एटलीस्ट लकड़ी के टूल तो फटाफट से हो जाए, और मैं फटाफट से अपग्रेड करना चाहता था स्टोन के अंदर, और मुझे खाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने आसपास के एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया, और जल्दी ही मेरे पास बहुत अच्छा खाना और कुछ रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो गए, जैसे लेदर वगैरह। और आप लोग नोटिस करना, मैं जैसे ही फूड को खाऊंगा ना, मेरा हेल्थ रीजनरेट नहीं होगा। फिलहाल तो मेरी किस्मत अच्छी है कि अभी तक मेरे हार्ट डाउन हुए। फिर मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, पहले तो मुझे लगा ये कोई विच का हट है, लेकिन भाई विच ऐसी जगह पे हट नहीं बनाती। फिर मैं इसके क्लोज गया तो इसके अंदर से कुछ अजीब से जीव निकल के आए भाई, रेड कलर के, और उनसे कुछ रेड से कलर का डस्ट मिल रहा था। पहले तो मुझे लगा भाई ये रेड स्टोन होगा, बट बाद में मेरे को पता चला भाई ये कुछ फायर आंट्स हैं या फिर फायर मक्खियां हैं, मैं नहीं मानता, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, पानी में जाने के बाद पता चला कि भाई ये जो पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। और थोड़ी देर में इन्होंने अपना दम तोड़ना शुरू भी कर दिया, और इनसे मिला मुझे फायर लाइटिंग डस्ट। और भाई इसकी जो एफिशिएंसी थी ना, वो कोल से डबल ट्रिपल थी, मतलब एज ए फ्यूल भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फर्नेस वगैरह में डाल के कुछ भी चीज बर्न करूंगा, तो इसकी एफिशिएंसी कोल से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है भाई। ये तो बहुत सही रिसोर्सेस हो सकता है। और यहाँ पे मैं स्टोन माइन करने आया था अपने स्टोन के टूल के लिए, और मेरे को यहाँ पे एक गुफा मिल गई, मगर यहाँ पे कोई भी मेरे को स्टोन नहीं मिला। अजीब अजीब सी चीजें थी, जैसे स्टेयर्स वगैरह बनी हुई थी यहाँ पे स्टोन की, कुछ रैबिट और चिकन का फूड भी था यहाँ पे जिसको मैंने उठा लिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डॉगीज थे, या मेरे पास बहुत सारे बोन होते थे, मैं उन डॉगी को टेम कर लेता। एंड फाइनली मेरे को कोबल स्टोन भी मिल गया। तो अब मैं आ चुका था स्टोन एज में, मुझे यहाँ पे अपने स्टोन के टूल बनाने पड़ेंगे, और एक राज की बात बतानी पड़ेगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि एक और चीज मैं बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस उसके बारे में बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड और पिकेक्स वगैरह बना के, मतलब टूल्स तो रेडी कर ही लेता हूँ एटलीस्ट। और अब देखो गाइस, इसमें मैं स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए होगा स्ट्रेंथ लेवल। और भाई ये देखो, मैं इस तलवार को अगर हाथ में पकड़ता हूँ ना, एक अजीब सा इफेक्ट मिलता है मुझे, और मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता, बट मैं इसमें पिकेक्स और एक्स यूज कर सकता हूँ। और ये देखो गाइस, ये वो लेवल्स है जो मेरे को अपग्रेड करने हैं, यानी कि मेरे को अपनी एक्सपी बढ़ानी होगी, और इसमें कुछ एक्सपी का लेवल होता है, उस लेवल तक जाने के बाद मैं अपना एक लेवल बढ़ा सकता हूँ, मतलब मेरी 7-8 एक्सपी होगी, तो मैं किसी भी स्किल्स में 1 पॉइंट डाल सकता हूँ। फिलहाल मुझे तलवार चलाने के लिए 6 स्किल्स पॉइंट चाहिए होंगे, तब जाके मैं अपनी तलवार चला सकता हूँ स्टोन की। अब ऐसे ही टीयर वाइज मेरे को ऊपर तक जाना पड़ेगा, यानी कि आयरन के लिए कुछ ज्यादा चाहिए होगा, डायमंड के लिए कुछ ज्यादा चाहिए होगा, और हाँ मैं इसमें आर्मर भी नहीं पहन सकता अभी तक, क्योंकि मेरे को अपने स्किल्स पॉइंट अपग्रेड करने पड़ेंगे पहले। तो चलो भाई रात हो चुकी है, अब देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है इस भूतिया वर्ल्ड में। फिलहाल यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की फॉक्स है, और सामने एक स्कैली है, बट ये स्कैली कुछ डिफरेंट है भाई, इसका एक हाथ टूटा हुआ है और इसके हाथ में तीर भी नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है भाई, एक हाथ टूटा हुआ है तो तीर कहां से चलाएगा, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। तो ये स्कैली बड़ा ही डिफरेंट था यार,
इस चांदनी रात में। फिलहाल यहाँ पे मेरे को ज़ॉम्बीज देखने को मिले और एक अतरंगी ज़ॉम्बीज भी देखने को मिला, जिसको मार करके मुझे एक ट्राइडेंट जैसी चीज मिल गई। बट असल में वो ट्राइडेंट नहीं था भाई, ये एक भाला जैसा है जिसको पिच फोर्क बोलते हैं। पता नहीं भैया पिच फोर्क क्या है, बट इसको भी मैं नहीं चला सकता, इसके लिए भी भाई स्किल्स पॉइंट लगेंगे, और अभी तक मेरा इतना बड़ा स्किल्स पॉइंट हुआ ही नहीं है। और एक सबसे बड़ी और तगड़ी चीज जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अपना फूड पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, फूड बार मेरा भरा हुआ है, बट फिर भी मेरा हेल्थ रिजनरेशन नहीं हो रहा है। तो भाई इसमें हेल्थ रिजनरेशन होगा ही नहीं, उसके लिए मेरे को पोशंस बनाने पड़ेंगे और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं मरने से पहले मुझे कुछ ना कुछ रिजनरेशन का जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा। भाई ये कैसी आवाज आ रही है अजीब सी, होली क्रैप, ये क्या है भाई, अजीब अजीब चीजें आ रही है यार इस वर्ल्ड में। मुझे लगता है मुझे अपनी पहली रात भाई इस गुफा के अंदर ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रात को भाई ये जगह बिल्कुल ही खतरनाक हो जाती है और मैं रीजनरेशन नहीं कर सकता। तब तक भाई मेरे को अपने हार्ट और अपनी लाइफ को बचा के रखना पड़ेगा। और ये देखो भाई ये आंखें, भाई ये आंखें आंखें दिख रही है मुझे, बाकी का शरीर कहाँ है इसका। फिलहाल सुबह हो चुकी थी तो मुझे अपना सारा का सारा सामान यहाँ से समेट करके निकलना था अब अपने सफ़र पे। और वैसे ही एक और केव दिखी मेरे को, वहाँ से सामान उठाने के बाद मैं आगे पहुँचा, मुझे एक रिवीन दिखी, रिवीन थी या एक केव थी आई डोंट नो गाइस, बट यहाँ पे बहुत सारा आयरन था जो मेरे को चाहिए था। भाई मेरे 4 हार्ट लॉस्ट हो चुके हैं गाइस, यानी कि डैमेज, तो भाई अब मेरे को वो वापस नहीं मिलने वाले जब तक मेरे पास कोई रीजनरेशन का सोर्स ना हो। तो फिलहाल गाइस अभी मैं यहाँ से आयरन निकालने वाला हूँ, और आयरन निकालते निकालते मेरे को एक जोकर दिखा मेरे पीछे। ये पता नहीं गाइस क्या चीज है, क्या ये खतरनाक मोब है? भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मुझे इससे थोड़ा दूर ही रहना होगा। एंड यार एक अच्छी बात ये है कि ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहा एक ब्लॉक के भी, तो मैं इसको मार सकता हूँ इजीली। और यहाँ से कोल मेरे को चाहिए होगा भाई। फिलहाल मैं यहाँ से सारा का सारा आयरन निकाल लेता हूँ, आयरन अभी मेरे काम का तो नहीं है, बट मैं इससे बकेट वगैरह तो बना सकता हूँ, और आर्मर और ये सब चीजें बनाऊंगा, उनको तो मैं यूज कर नहीं पाऊंगा अभी भाई। फिलहाल इस केव में मुझे डायमंड वगैरह भी मिल सकते हैं, बट यार मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब तक मैं अपने हार्ट्स को रिजनरेट नहीं कर लेता तब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा ऐसे केव्स में, क्योंकि ऐसे केव्स में बहुत ज्यादा खतरा होता है नीचे। और देखते देखते मैंने अपना एक हार्ट और गवा दिया भाई, कितना बेवकूफ हूं यार मैं। फिलहाल मुझे ट्रैवल करते करते रात हो गई थी, तो मुझे रास्ते में पंपकिन मिले, पंपकिन बायोम में, आई थिंक ये पंपकिन बायोम है। और यार मुझे ना बीच बीच में ये विस्प मिल रही थी, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इनको मार के ना मुझे एक्सपी मिल रही थी, तो यार ये एक तरह की फ्री की एक्सपी है। एंड यार मुझे जैसे जैसे एक्सपी मिलती है ना मैं उन एक्सपी को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मेरी 7-8 एक्सपी होती है ना तो मैं उसको अपने स्किल्स पॉइंट में डाल लेता हूँ। और ये देखो इन विस्प को मैं ऐसे हाथ में पकड़ के एज ए लालटेन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। और यार यहाँ के स्केलिस को क्या हुआ है, इनके हाथ पैर टूटे हुए हैं भाई। और यही नहीं यार यहाँ पे और भी खतरनाक चीज़ें हैं भाई जो मेरे हार्ट डैमेज कर देती है भाई, लिटरली गाइज मैं नियर टू डेथ हूँ, तो मेरे को भाई मरने से तो बचना ही होगा। अगर मैं मरा तो मेरी एक लाइफ चली जाएगी यहाँ पे और एक हार्ट भी चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे मैं मरता रहूंगा मेरे हार्ट्स कम होते रहेंगे, एंड एट द एंड मेरा एक ही हार्ट बचेगा और फिर उसके बाद खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। थोड़ी देर तक मैंने थोड़ा एक्सपी कलेक्ट किया, और भाई अब मैं एक्सपी के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे भाई पेरेंट्स से क्यों ना हो, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना देख रहे हो, मैं तब भी भाई उन सभी को मारूंगा क्योंकि मुझे एक्सपी चाहिए। और इस काली अंधेरी रात में एक भूत को तो मैंने अपने पीछे आते हुए ही पकड़ लिया। अब भाई मुझे नहीं पता था मुझे इसको कैसे हराना है, ये एक स्टैचू जैसा था, जैसे स्टोन का स्टैचू, तो मैंने पिकेक्स से मारना शुरू किया क्योंकि जो पिकेक्स होते हैं ना वो स्टोन को जल्दी तोड़ती है। एंड लिटरली गाइस मैं इसको मारने में सक्सेसफुल भी हो गया, पता नहीं है क्या चीज़ थी, ये स्टैचू थी मेरे पीछे आ रही थी और एक अजीब सी आवाज़ एक नॉइस क्रिएट कर रही थी जैसे कोई लड़की रो रही हो बैठ के। अगले दिन रास्ते में मुझे एक रूइन पोर्टल मिला जिसके अंदर एक गोल्डन एप्पल था। अब इंचेंटेड एप्पल तो गाइस इसके अंदर बैन है, और टोटम ऑफ अनडाइंग भी इसके अंदर बैन है, बट गोल्डन एप्पल इसमें बैन नहीं है। तो यार ये एक और सोर्स हो सकता है मेरे हेल्थ रीजनरेशन का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि भाई मेरा जो हेल्थ है वो थोड़ा सा रीजनरेट हो चुका है। अब भाई ये आर्मर वगैरह तो मेरे किसी काम के नहीं क्योंकि इनके लिए तो स्किल्स मुझे अपग्रेड करने पड़ेंगे, बट हाँ ये गोल्ड की स्वॉर्ड अभी मैं चला सकता हूँ, इसको चलाने के लिए कोई लेवल स्किल्स पॉइंट्स नहीं चाहिए। और वहां से बचा कुचा सामान भी समेट कर मैं निकल चलता हूँ अपने आगे के सफर पे। भाई मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा विलेज है, बट पता नहीं ये एक और स्टैचू मेरा पीछा कर रही थी जिसके सर पे एक पिकेक्स लगी हुई थी, शायद इसको मेरे से पहले किसी ने मारने की कोशिश की होगी क्योंकि ये रात में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है और दिन में इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती, तो मैं इसको इजीली मार पाया। चलो भाई अब सामने एक विलेज है तो चलो विलेज की तरफ चलते हैं और अच्छी खासी
से लूट करते हैं, क्योंकि यार बहुत टाइम से मैंने कुछ बढ़िया नहीं खाया। अंदर भाई कुछ ब्रेड व्रेड केक वगैरह या पाई वगैरह भी मिल सकते हैं जो विलेज वासी हमारे लिए रख सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। फाइनली गाइज मैं गांव के अंदर आ चुका हूँ भाई, और यहाँ का जो घर है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब ये घर ऐसा लगता है जैसे कि इनको रीडिजाइन किया गया है। और यहाँ के विलेजर्स वासी भाई इनके लूट देखो भाई, कोल के ब्लॉक, आयरन, गोल्ड, एमरल्ड, यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें मुझे मिल सकती है, बस मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। और ये जो गांव है ना पूरा इनहेंस लगता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है ये। एक घर की छत पे तो मेरे को चेन आर्मर मिला, फुल सेट ऑफ चेन आर्मर, बट गाइस इस आर्मर को भी मैं नहीं पहन सकता था, इसमें एंड्योरेंस का 12 लेवल चाहिए था भाई, तो इस आर्मर को भी मैं नहीं पहन सकता था, मेरे को अपने लेवल अप करने पड़ेंगे यार, तो इस आर्मर को मैंने यहीं छोड़ दिया, बाद में मैं इसको पहन सकता हूँ। मैं इस गांव में रहकर ना अपना लेवल अप करूंगा ताकि मैं एक आर्मर तो एटलीस्ट पहन सकूं। एक लंबी रात गुजारने के बाद मैं हर घर में जाने लगा, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे सारे के सारे लूट लूटनी थी, और मेरे को अपने लिए भी एक घर चूज कर लेना होगा, क्योंकि यार अभी मैं अपना घर नहीं बना रहा हूँ जब तक, तो यहाँ पे मैं टेम्परेरी रह ही सकता हूँ। प्लस मेरे पास काफी सारे लूट भी हो चुके हैं, तो मैं इसको भी लेके नहीं घूम सकता, मेरे को बैकपैक या फिर कुछ स्टोरेज सिस्टम भी बनाना होगा यहाँ पे टेम्परेरी, ताकि मैं अपनी जो लूट है इसको रख सकूं और थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड कर सकूं, क्योंकि यार मेरे हार्ट बहुत ज्यादा कम है और अभी तक मेरे को रीजनरेशन का सोर्स नहीं मिला है भाई। मैंने अपना लेवल अप करने के लिए यहाँ के सारी हेवेल तोड़ दी, सारे के सारे यहाँ के जानवर मार दिए, तब जाके मैं थोड़ा बहुत अपना लेवल अप कर पाया भाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना लेवल अप किया, बट उससे पहले मेरे को एक चीज दिखी, एक रूइन पोर्टल दिखा, प्लस एक बहुत बड़ा कार्सल दिखा। मैं बहुत शौक था भाई कार्सल देख के, और मुझे नहीं पता इस कार्सल में कौन है, ये डंजन भी हो सकता है, बट एक्सप्लोर करना तो बनता है ना, क्या रात को एक्सप्लोर करना ठीक रहेगा? गुड न्यूज ये है कि मेरे को दो और गोल्डन एप्पल मिल गई, यानी कि मैं अपनी हेल्थ को और भी ज्यादा रिजनरेट कर सकता हूं। लेकिन इससे यार एक दिक्कत है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने दो हार्ट या तीन हार्ट ही रिजनरेट कर पाता हूं इस गोल्डन एप्पल से। मेरे को कोई परमानेंट चीज तो ढूंढनी पड़ेगी भाई पोशन के अलावा। एक क्रीपर से फटते फटते बचा, साथ में एक अजीब सा नशेड़ी सा ज़ॉम्बी। ये ज़ॉम्बी मैंने पहली बार देखा है माइनक्राफ्ट में, और इस ज़ॉम्बी के अंदर निकला स्केली। भाई ये क्या दोगलापन है, ये सब दोगलापन, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा मैजिकल था। एंड फाइनली ये रही मेरी स्किल्स की टैग लाइन, तो यहाँ पे देखो भाई, डेक्स, माइंड और एंड्योरेंस, ये लेवल मैंने थोड़े बहुत बढ़ा लिए। अभी भी मैं आर्मर तो नहीं पहन सकता, तलवार नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ और वाइजर, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या लिख देते हैं इंग्लिश में, मतलब मेरे को सभी चीजें कम से कम 8-8, 10-10 लेवल तो करनी पड़ेगी। कुल मिला के मेरे को 50-60 से ऊपर लेवल चाहिए भाई, जो कि मैं रात को इकट्ठा कर सकता हूँ, दिन में तो भाई लेवल इकट्ठा करने से राम है। तो चलते हैं भाई ये कार्सर लूटने के लिए, देखते हैं इसका एंट्रेंस कहाँ से है। एंड फाइनली मेरे को इसका एंट्रेंस भी मिल गया। इसका एंट्रेंस बड़ा ही सिनेमैटिक था भाई, मतलब इसमें क्रेट मोड का यूज किया गया है, तो भाई क्रेट मोड का यूज तो मुझे भी करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज है यार, मैं इससे बहुत अच्छे ऑटोमेटिक फार्म बना सकता हूं, जो मेरे को आगे जाके सर्वाइव करने में मदद करेंगे। तो चलो उसका तो आगे की आगे सोचेंगे, फिलहाल मेरे को इसको एक्सप्लोर करना है। और हाँ एक चीज अच्छी है भाई, ये डंजन नहीं है, ये विलेजर्स का विलेज ही है, मतलब एक कार्सल है। मुझे नहीं पता यहाँ राजा रहता है कि नहीं रहता, बट ये फुल्ली लोडेड है भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लूटने के लिए। तो चलो देखते क्या क्या मिलता है लूटने के लिए, लेकिन उससे पहले यार मैं सोच रहा हूँ सो जाऊं मैं। फिलहाल धीरे धीरे मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट लैडर और सीक्रेट डोर, सीक्रेट बेसमेंट्स हैं, जहां पे विलेजर्स है, प्लस चेस्ट भी है भाई, मैं उनको लूट के बहुत अच्छी चीजें मुझे मिल सकती है। तो चलो देखते यार अपने को यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और क्या हम इस कार्सल के रहस्यमय तहखाने तक पहुंच पाएंगे जहां पे खजाने की पोटली बंदी होती है। भाई ऐसा मूवियों में तो देखा है, क्या पता यहाँ पे भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो। तो चलो देखेंगे, अभी तो मैं मेन रूम में नहीं आया हूँ, मैं साइडों के रूम को लूट रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे को अच्छी खासी इंचेंटेड बुक्स और कुछ रिसोर्सेस तो मिल ही रहा है, जैसे एमरल्ड वगैरह। साथ ही मुझे ये पोटली जैसे दिखने वाले शैक मिल रहे हैं, जिनमें मैं सामान स्टोर करके ना इनको उठा सकता हूँ। बस दिक्कत इनकी एक ही होती है, अगर मैंने ये 4-5 से ज्यादा कैरी कर लिए ना, तो ये मेरे वेट को बढ़ा देते हैं। अब भाई माइनक्राफ्ट में मैंने सच में ये चीज नहीं सोची थी, क्या कुछ वेट जैसी चीज भी होती है कि मैं कुछ ज्यादा सामान नहीं उठा सकता, लिमिट में उठा सकता हूं। तो भाई ये शेक जैसे जैसे मेरे इन्वेंटरी में भरते रहेंगे ना, मेरे को स्लोनेस मिलती रहेगी, मतलब एक तरह से मेरे बॉडी का वेट हैवी हो जाएगा, तो इसका भी मुझे जुगाड़ बिठाना होगा। बाकी शेक बहुत काम के भाई, इनमें मैं एक एक स्टैक करके पूरे 9 स्टैक भर सकता हूं। थोड़ी देर में मैं एक ऐसे रूम में था जो कि एक मेन रूम था, और इसके पीछे खजाना था भाई। मेरे को बहुत सारी गोल्डन एप्पल मिली, जो कि मेरे को बहुत जरूरी चाहिए थी, क्योंकि कभी भी मेरे को हेल्थ रीजनरेशन की जरूरत पड़ जाती थी, और भाई ये एप्पल थोड़ा बहुत हेल्थ तो रीजनरेट करती थी। और मेरे पहले डायमंड मुझे यहीं से मिले भाई, 3 डायमंड हो गए थे, और कुछ एक्सपीरियंस के नगेट भी थे, मतलब मेरे को इनसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, ऐसे ही मेरा लेवल अप भी होगा और मेरे को लूट मिलनी भी शुरू हो गई। और देख रहे हो आप, ये पोटली सी बनी आ रही है,
मेरे इन्वेंट्री के साइड में ऊपर की तरफ, भाई यही वो चीजें हैं, यानी कि वेट, मेरा वेट हैवी हो चुका है और मैं ज्यादा तेज जंप नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे मेरा वेट इतना बढ़ जाएगा, जैसे जैसे मैं ये चीजें, ये शैक अपने इन्वेंट्री में भरता रहूंगा, इनमें लूट भर भर के, तो मेरा वेट इतना हैवी हो जाएगा कि मैं एक ब्लॉक की जंप भी नहीं कर पाऊंगा। तो भाई इस चीज का भी मेरे को ध्यान रखना होगा, कभी पता चल रहा है कि रात हो जाए और मॉब स्पॉन होने लग जाए और मेरा वेट हैवी हो और मैं भाग ही ना पाऊं और मर जाऊं, तो भाई ऐसे तो बेफालतू में अपनी लाइफ को मैं वेस्ट करूंगा। तो इस चीज का मेरे को ध्यान रखना होगा। मेरे को जल्दी से एक बैकपैक बनाना होगा जिससे कि मैं इन चीजों को उसमें डाल सकूं। पता नहीं मैं बैकपैक में इन चीजों को कैरी भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तो भाई देखेंगे बैकपैक बनने के बाद। बट फिलहाल मेरे को बैकपैक बनाना होगा और ये जो कीमती कीमती लूट है फटाफट ले लेता हूँ मैं यहाँ से। फिलहाल बैकपैक की सारी ही चीजें मैंने इकट्ठा कर लिया, सैंड चाहिए थी, सैंड मैंने यहाँ आके ले लिया और अब बनाया मैंने एक स्टोरेज बैग। भाई इसमें बैकपैक नहीं बन रहा लेकिन ये स्टोरेज बैग बन रहा है और सच में भाई इसका जो कैपेसिटी है ना वो बहुत बड़ा है। और भाई खुशी की बात ये है कि वो जो शैक थे ना वो सब भी उसके अंदर आ गए, तो भाई ऐसा कुछ भी ओवरलैप वगैरह नहीं हुआ। मतलब अब मैं इन्फानाइट चीजें उठा सकता हूँ अगर मेरे पास बहुत सारे शैक हो तो, क्योंकि ये स्टोरेज बैग है ना इसके जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है। और इस बैकपैक में ना कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन भी है जैसे मैग्नेट और ऑटो डिपॉजिट। मतलब मेरे को सिर्फ चेस्ट पे टच करना पड़ेगा ये बैग और इसके अंदर जितने भी लूट होगी सारी ऑटोमेटिकली चेस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो भाई ये बैकपैक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब ये बैग का थैला है एक तरह से, पता नहीं क्या ही बोले, मैजिकल वर्ल्ड में मैजिकल चीजें ही बन रही है। मेरे पास कुछ लेवल इकट्ठा हो चुके थे तो भाई मैंने सोचा क्या पता मैं मर जाऊं गलती से, कोई वन शॉट मारने वाला आ जाए, तो मैंने अपने लेवल अप कर लिए और मेरे इतने लेवल अप हो चुके थे कि मैं अब एक आयरन लेवल का आर्मर जो है वो पहन सकता हूं। और एक चीज जो मेरे को पता चली कि मैं अभी ब्रीविंग स्टैंड को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को माइंड के 12 लेवल चाहिए होंगे और मेरे पास अभी 5-6 हुए हैं बस, मतलब मैं पोशंस नहीं बना सकता अभी। तो मुझे यहाँ पे चेन आर्मर मिला तो मैंने चेन आर्मर पहन लिया और अब बारी है भाई इस जगह को लूटने की, तबाह करने की। तबाह से मेरा मतलब है भाई फ्री की जितने भी चीजें मिलने वाले मैं उठाने वाला हूँ। और अब भाई वक्त आ गया सीधा घर जाने का और घर जाते जाते भाई मेरे को कुछ अजीब अजीब से प्राणी मिल गए जिन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया भाई। एंड यार मेरे को एक्स्ट्रा हार्ट भी मिल गए क्योंकि मैंने अपना स्किल्स अपग्रेड किए, तो एक ऊपर हार्ट वाला स्किल होता है उसको बढ़ाने से मेरे को एक्स्ट्रा हार्ट भी मिले, बट वहां तक रीजनरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, मेरे पास 2 ही गोल्डन एप्पल है। और हाँ यार मेरे को एक स्प्लैश पोशन ऑफ हीलिंग मिला था जिसको मैंने बर्बाद कर दिया। इसको ऐसे नहीं फेंकना होता भाई, इसको अपने ऊपर फेंकना होता है। और इसको यूज करने के लिए भी भाई माइंड के 5 लेवल चाहिए थे जो कि मैंने बढ़ा लिए, तो अब मैं पोशन तो यूज कर सकता हूँ। देख रहे हो ये कितना मुश्किल गेम है, पोशन यूज करने के लिए भी भाई आपको इसमें स्किल्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। फिलहाल गाइज मेरे पास एक लास्ट हीलिंग का पोशन था, मैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहता था तो मैं घर के बाहर गया और मैंने इसको अपने सर पे फोड़ लिया। तो ये भाई इस तरीके से मेरा हील हो गया पूरा का पूरा हार्ट्स। तो अब मैं चैन के नींद सो सकता हूँ और कल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे को क्या क्या लूट मिली वहां से। मेरे पास इतने डायमंड हो चुके थे कि मैं अब डायमंड के टूल बना सकता हूँ, क्या मैं उनको यूज कर पाऊंगा? तो मैंने सोचा यार कि इसमें डायमंड से ज्यादा जो पावरफुल है ना वो एमरल्ड के टूल है, तो मैंने सोचा यार मैं एमरल्ड के टूल बनाऊंगा। तो मैंने एक एमरल्ड की स्वॉर्ड और एक पिकेक्स बनाई क्योंकि ये डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और नेदरराइट, मतलब नेदरराइट के बराबर के थे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आर्मर भी बना लिया जाए, बट भाई आर्मर को पहनने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए थे जो कि अभी यहां तक मैंने अपग्रेड नहीं किए हैं। तो अभी भाई जो आर्मर है वो तो एक तरह से अंगूर खट्टे की तरह हो गया, अभी मैं उसको नहीं पहनने वाला। बट हाँ मैं ये पिकेक्स और ये स्वॉर्ड जरूर यूज कर सकता हूँ एमरल्ड की, क्योंकि इतना स्किल्स मैंने अपग्रेड कर लिया है। मुझे कुछ इंचेंटेड बुक्स भी मिली थी जैसे फॉर्चून एफिशिएंसी मेंडिंग वगैरह की, बट यार ये ना इन पे लग नहीं पा रही थी, मतलब लग तो जा रही थी बट इनको यूज करने के लिए फिर माइंड लेवल ज्यादा चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। तो भाई मैंने एक एक्सपीरियंस बूस्ट की बुक थी वो लगा ली पिकेक्स पे और स्वॉर्ड पे, उनके लिए माइंड लेवल की जरूरत नहीं थी। मतलब यार अगर तुम इंचेंटेड टूल यूज करना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है यार। एंड लिटरली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये एक्सपीरियंस बूस्ट क्या चीज है भाई, इसको यूज करने के बाद ही पता चलेगा। अब आई थिंक ये एक्सपीरियंस को बूस्ट करती है ये चीज जो मैंने इंचेंटमेंट लगाई अपने स्वॉर्ड में। और अब मैंने यहाँ पे टेम्परेरी घर में जो कि एक विलेजर्स का है यहीं पर ही भाई अपना स्टोरेज लगाना शुरू कर दिया क्योंकि इतने सारे स्टोरेज को मैं कैरी नहीं कर पा रहा हूँ। और तो चलो मेरे को कुछ क्रेट वगैरह भी मिली थी कार्सल से, उन क्रेट्स को लगाएंगे यहाँ पे और सारा सामान मैं अपना वहां पे डिपॉजिट कर दूंगा और फिर से थोड़ा बहुत लूट करने और थोड़े बहुत स्किल्स बढ़ाने चलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि ये इंचेंटमेंट को भी तो टेस्ट करना है पिकेक्स वाली और स्वॉर्ड वाली किस तरीके का एक्सपीरियंस बूस्ट करती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मेरे को एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मैं आ गया हूँ बाहर की दुनिया में अपने बैकपैक को पूरा खाली करके। अभी जो गोल्डन वाली विस्प मुझे मिली थी ना ये मैंने इस घर पे लगा दी क्योंकि इस विलेज में बहुत सारे घर है जो एक जैसे दिखते हैं। अब
अब ये जो फायर वाली विस्प है ना, ये मुझे याद दिलाएगी कि ये मेरा घर है, मतलब जहाँ पे मैं टेम्परेरी रह रहा हूँ अभी। तो फिलहाल मैं अपने पिकेक से जो भी स्टोन तोड़ रहा हूँ ना, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं नहीं मानता गाइस, मेरे को लगता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं बहुत जल्दी अपने स्किल्स जो अपग्रेड कर लूंगा, क्योंकि मैं कोई सा भी पत्थर तोड़ रहा हूँ ना, मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब कोल से तो मिलता ही मिलता है, सभी को पता है, बट मैं नॉर्मल पत्थर को भी तोड़ रहा हूँ, उससे भी मेरे को कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बूस्ट मिल रहा है। तो ऐसे तो यार मैं एक पहाड़ को तोड़ूंगा और मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारे लेवल इकट्ठा कर लूंगा। तो ये तो यार एक शॉर्टकट हो गया। अब मेरे को अपनी स्वॉर्ड भी टेस्ट करनी है ऐसे ही, तो थोड़े बहुत स्किल्स तो मैं यहीं से ही अपग्रेड कर लूंगा अपने माइन करते करते। और ये जगह थोड़ी सेफ भी है, मेरे घर के सामने ही है माउंटेन। माइंड करते करते रात हो चुकी है और ये मेरे स्किल्स है जो अभी तक मैंने अपग्रेड करे है। भाई मैंने माइंड का जो लेवल है मैंने 7 तक पहुंचा दिया है। तो धीरे धीरे भाई अब मैं अपग्रेड होने वाला हूँ, यानी कि अब खैर नहीं मॉब्स की। और मुझे भूलना नहीं है कि मुझे एक रीजनरेशन का पोशन भी बनाना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुके। और ये देखो भाई, ये जो स्टोरेज क्रेट है इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इनमें 640 सामान आ सकता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और ये जो शैक है ये भी खाली हो चुके हैं। मैं अपने बैकपैक का यानी कि पोर्टली का भाई ऑटो पिकअप मोड जो है ऑन कर देता हूं, ताकि मैं कुछ भी चीज तोड़ू मेरे इन्वेंटरी में ना आके सीधा बैकपैक में आएगी। और ये मेरे लेवल है जैसे कि आप देख रहे हो, वाइगर का लेवल 7 है, स्ट्रेंथ 10 है, माइंड 7 है, डेक्स 3 है, एंडोरेंस और INT। भाई ये वाले लेवल मेरे को ज्यादा बढ़ाने हैं अगर मेरे को पूरा आर्मर पहनना है तो। बाकी मैं स्वॉर्ड और पिकेक्स तो यूज कर ही पा रहा हूँ, डायमंड का मैंने सूट भी पहन लिया है, बट यार अभी चेस्ट प्लेट नहीं पहन पाया हूँ डायमंड की। मैं सोच रहा हूँ सीधा का सीधा एम्ब्रल की चेस्ट प्लेट पहनूं, तो उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे स्टोन माइन करने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि मेरा XP लेवल बढ़ेगा और मैं फटाफट अपना लेवल अप कर पाऊंगा। और हाँ यार, अभी मैं ये एक्स भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए भी मेरे को थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा ताकि मैं इस एक्स को भी यूज कर पाऊँ। स्ट्रेंथ लेवल करना पड़ेगा मुझे 12 तक। तो चलो यार अब मैं जरा XP इकट्ठा करना शुरू करता हूँ, इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा मेरा। चलो स्ट्रेंथ का लेवल तो मेरा 12 हो चुका है, वाइगर का 8 हो गया। और यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से हटके ना अब नेदर में जा करके माइन करूँ ब्लॉक्स, क्योंकि यार नेदर के जो ब्लॉक है ना वो बहुत जल्दी टूटते हैं और मेरी पिकेक्स भी जल्दी नहीं टूटेगी वहाँ पे। नेदर रैक होते हैं ना वो बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो। मतलब ये डायमंड से ऊपर के लेवल की पिकेक्स है एमरल्ड की, तो इससे तो और भी जल्दी टूटेंगे वो, मतलब ऐसे टूटेंगे जैसे एफिशिएंसी लगी हुई हो मेरी पिकेक्स में। तो चलो भी नेदर पोर्टल को रिपेयर करता हूँ और फटाफट चलते हैं नेदर में और वहां पे जाके माइन करते हैं नेदर रैक्स को। नेदर पोर्टल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जा रहा था मैं घर पे फ्लिंट एंड स्टील लेने के लिए कि अचानक मेरे को दो आंखें दिखी। तो भाई मैंने उन आंखों को जैसे मारा ना, उसके अंदर से एक अजीब सा भेड़िया निकला। मुझे नहीं पता ये भेड़िया कितना ज्यादा डैमेज देगा मेरे को कितना नहीं देगा, लेकिन बहुत ही खूंखार सा लग रहा है। अच्छा हुआ भाई मैं इससे थोड़ा दूरी बना के चल रहा था, यार इसने मेरे को ना एक हिट मार ही दिया और भाई अजीब सा वीदर जैसा इफेक्ट दिया इन्हें मेरे को, जहरीला सा, और मेरी हेल्थ जो है बहुत ज्यादा कम होने लग गई। और लास्ट में जाके बिल्कुल 1 हार्ट में मेरी हेल्थ बची, और बची कुछ ही कसर भाई क्रीपर ने पूरी कर दी, आधा हार्ट बचा मेरा। अब गाइस मैं कभी भी मर सकता था, तो मैंने सोचा यार गोल्डन एप्पल क्यों ना यूज कर ली जाए, और लास्ट हिट में मैंने उस भेड़िए को मार ही दिया और भाई क्या 2.5 हार्ट बचे हैं मेरे। और घर पे पहुंचते पहुंचते मुझे बैरल में एक ज़ॉम्बी दिखा, मुझे लगा उसको मार देता हूं, लेकिन भाई और यहां पे स्केलेटन फायदा उठा गया और उसने मेरे को मार दिया, यानी कि मेरी एक लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरे पास 9 लाइफ बची है। मेरे को बहुत सोच समझ के रहना होगा। अच्छी बात यह कि मैं जब भी मर के स्पॉन होऊंगा ना, मेरा एक भी सामान ड्रॉप नहीं होएगा, मेरा सारा का सारा सामान इन्वेंटरी में रहेगा। तो मैं घर पे आ गया तो भाई सो जाता हूं, फिर फ्लिंट एंड स्टील बना और सीधा चलते हैं नेदर पोर्टल की तरफ जो कि कार्सल के पास है, और वहीं से मैं सीधा नेदर में जाऊंगा और नेदर रैक को तोड़ूंगा और यार फटाफट से अपने आप को लेवल अप करूंगा, क्योंकि मेरे को सारे के सारे स्किल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनलॉक करने हैं, फिर उसके बाद मेरे को प्रोग्रेशन भी करनी है और फिर होगी बॉस फाइट, क्योंकि इस वर्ल्ड में ना बहुत सारे ऐसे गोस्ट बॉस हैं जिनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मेरा जो एरिया वो सिक्योर हो पाएगा, वरना कभी भी भाई डेड इवेंट हो सकता है और डेड इवेंट में भाई मेरा बचना नामुमकिन है। एक चीज और गाइस, पता नहीं मेरे पीछे कोई स्टैचू था, उसने मेरे को टच किया और मेरे को ओवर वर्ल्ड में टीपी करवा दिया, यानी कि टेलीपोर्ट। पता नहीं भाई मैं ओवर वर्ल्ड में कैसे टेलीपोर्ट हो गया अचानक से, बट वो जो भी था भाई खतरनाक है इसका मतलब। फिर उसके बाद मैं वापस से नेदर में आया और भाई मैंने माइन करना शुरू कर दिया और बहुत सारे XP इकट्ठा की और अपने आप को साथ के साथ लेवल अप करता गया। अब मेरी पिकेक्स ना टूटने के करीब आ गई थी, तो यार मैं घर पे आ गया क्योंकि मेरे पास मेंडिंग पड़ी थी, लेकिन मेंडिंग को चढ़ाने के लिए माइंड लेवल चाहिए था। तो मैं सोचने लग गया कि यार अब मैं किस तरीके से माइन करूंगा। अचानक मैंने अपने घर के पास उगी हुई ग्रास को तोड़ा स्वॉर्ड से, अब मेरे स्वॉर्ड में भी XP बूस्ट लगा हुआ था इंचेंटमेंट। तो भाई मैंने सोचा यार ये आइडिया तो बहुत बढ़िया और ये तो नेदर रैक से भी इजी हो गया, मतलब
मेरी पिकेक्स भी रिपेयर हो जाएगी और मैं लेवल अप भी होता रहूंगा। मतलब मैं घास को तोड़कर भी एक्सपी इकट्ठा कर सकता हूँ, जो कि नेदर रैक से भी बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो इसका मतलब यार मेरे को ना घास तोड़नी पड़ेगी अपने एरिया की और मैं बहुत सारा एक्सपी इकट्ठा कर पाऊंगा। तो भाई काफी देर तक मैंने इसी तरीके से एक्सपी इकट्ठा किया और अपनी पिकेक्स पे मेंडिंग चढ़ाया। अब मेरे को मेंडिंग का यूज करने के लिए ना स्किल्स की जरूरत थी, तो मैंने अपने स्किल्स अपग्रेड किए सोर्ड से ग्रास को तोड़ के एक्सपी इकट्ठा करके, और फिर मेरा और भी तेज दिमाग दौड़ने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार इससे फास्ट तरीका और क्या हो सकता है एक्सपी इकट्ठा करने का, तो फिर मैंने फार्मिंग करने की सोची, क्योंकि फार्मिंग से मैं और भी ज्यादा जल्दी एक्सपी इकट्ठा कर सकता हूँ। और अब भाई मैं अपना 200 आईक्यू यूज कर रहा था और बहुत सारा एक्सपी इकट्ठा कर रहा था। काफी अच्छे लेवल अप करने के बाद भाई अब मेरे को जाना था घर पे और मेरे को अपने घर को रेनोवेट करना था, क्योंकि यार अब मैं उसी घर को थोड़ा बढ़िया बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं इतना अपग्रेड तो हो चुका हूँ स्किल्स लेवल में कि अब मैं अपना आर्मर भी पहन सकता हूँ। चलो भाई एमरल्ड का आर्मर भी बना लेते हैं, प्लस अपने घर को रेनोवेट भी कर लेता हूँ। और मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है एक्सपी बूस्ट का। अब देखो भाई मैं किस तरीके से एक्सपी बनाता हूँ। तो भी घर बन के मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है, और ये देखो ये नल्ला बेरोजगार छपरी यहाँ पे लेटा हुआ है, इसको भगाना पड़ेगा भाई क्योंकि ये मेरा घर है अब। हाँ वैसे है तो इसका ही, लेकिन भाई अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरा है ये। और भाई इसका सेकंड फ्लोर देख रहे हो, वहाँ पे कुछ असला बारूद रखा हुआ है भाई, लेकिन वो अभी मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ ऐसी। और बाहर निकलते हुए ये देखो भाई मेरे को क्या दिखा, एंडरमैन के चचा भाई। ये पता नहीं कैसा अजीब सा एंडरमैन था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था भाई ये, बट इसने मेरे पे इतना ज्यादा अटैक नहीं किया जितने नॉर्मल एंडरमैन करते हैं। फिर एक सुसाइड बॉम्बर दिखा मुझे, उसको भी मार दिया मैंने। तो अब बारी थी गाइस मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करने की, यानी कि एक एक्सपी फार्म। और मैं इस एक्सपी फार्म को पूरा ऑटोमेटिक बनाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई किस तरीके से ऑटोमेटिक बना। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स भी है, तो चलो भाई इक्विपमेंट्स इकट्ठा करते हैं और यहां पे बनाना शुरू करते हैं ऑटोमेटिक एक्सपी फार्म। मैं ऑटोमेटिक एक्सपी फार्म इसलिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि यार मैं काफी देर से एक्सपी इकट्ठा कर रहा हूं, मेरे स्किल्स जल्दी-जल्दी अपग्रेड हो ही नहीं रहे। मेरे को कोई एक ऐसा सोर्स चाहिए था एक्सपी का जहां पे मैं बस खड़ा रहूं और मेरे को एक्सपी मिलती रहे, और इससे क्या होगा ना मेरा हेल्थ डैमेज का भी जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यार हेल्थ डैमेज होती है ना तो एक और लाइफ जाने का पूरा पूरा चांस रहता है। और वैसे मेरे पास 9 लाइफ बची है, पता नहीं 9 लाइफ में मैं अपने टारगेट तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, यानी कि एंडर ड्रैगन और वो जो 3 बॉसेस है इस वर्ल्ड के वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा उनको मारने के लिए। तो चलो वो तो देखना रहेगा, फिलहाल तो यार अभी मेरे को अपना एक्सपी फार्म कंप्लीट करना है। बाकी सारी की सारी चीजें मैं बना चुका हूं, क्राफ्टिंग में आपको ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बिल्डिंग वगैरह दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यार ऑलरेडी हमारा काफी ज्यादा टाइम निकल चुका है। एक्सपी फार्म का ढांचा मेरा बनकर तैयार था, अब थी ग्लास की बारी। अब भाई ग्लास तो यार देखो नॉर्मल ग्लास लगाऊंगा तो उसके अंदर से लाइट आर पार आएगी और मॉब स्पॉन नहीं होंगे स्पॉनर से, तो मेरे को बनाने थे टिंट ग्लास। या तो गाइस इसमें दो तरह के ग्लास बना सकता हूं, या तो मैं डार्क ग्लास बना सकता हूं जो कि सिंपल ग्लास से और कोल से बन जाते हैं, या फिर मैं बना सकता हूं टिंट ग्लास जिसके लिए भाई मेरे को एमेथिस्ट क्रिस्टल चाहिए होगा, और अभी तक मैंने एमेथिस्ट क्रिस्टल खोज नहीं किया तो मैं दूसरा ग्लास ही बना लेता हूं। तो गाइस जब तक सैंड से ग्लास तैयार होता है मैं बाकी की मॉब फार्म की चीजें बना लेता हूं। तो यहां पे गाइस देखो मैंने एक क्रेट मोड का वाटर व्हील लगा करके एक ग्राइंडर भी लगा दिया है, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए थी स्लाइम बॉल, क्योंकि ऑटोमेटिक चीजों के लिए भाई स्लाइम बॉल लगती है मॉब फार्म में, और बाकी की चीजें भी बन गई है। तो चलो भाई फटाफट से मॉब फार्म बनाना शुरू करते हैं और क्रेट मोड पे भी धीरे धीरे काम करते रहेंगे हम। और यहाँ पे मेरा एक्सपी फार्म लगभग बन के तैयार है भाई, अब मेरे को इसको ऑटोमेटिक करना है, यानी कि बस एक लीवर वगैरह लगाना है। और मैंने यहाँ पे एक्सपी के लिए एक टैंक भी बना के लगा दिया, इस टैंक पे लगेगा टैप, वो मैं अभी थोड़ी देर में लगा दूंगा, मेरे इन्वेंटरी में है। और एक यहाँ पे होपर भी लगा हुआ जिसके लिए मेरे को एक एंडर पल चाहिए था भाई, और वो होपर बहुत ही बढ़िया काम करता है, थोड़ी देर में आप लोग देख लोगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली आसपास गिरी हुई चीजों को खींच लेता है और चेस्ट में डाल देता है। फिलहाल अब मेरे को चाहिए स्पोनर, और स्पोनर मेरे को पता है कहाँ पे मिलेंगे, मेरी हेल्थ बहुत कम होती जा रही है, तो मेरे को ना कुछ हनी एप्पल्स मिले थे लूट में। तो भाई अब उस हनी एप्पल से ना मैंने एक आयरन एप्पल बनाया, और आयरन एप्पल से मुझे लगा यार रीजनरेशन मिलेगा, लेकिन उससे ना हेल्थ बूस्ट मिला, मतलब मेरे काफी सारे हार्ट बन गए। देखो ये वाला एप्पल बनाया था मैंने आयरन एप्पल, और इसमें काफी अलग अलग तरीके के एप्पल्स बनते हैं जिनसे अलग अलग तरीके के एबिलिटीज मिलती
मिलती है, लेकिन भाई इसमें रीजनरेशन का एक भी एप्पल नहीं है सिवाय गोल्डन एप्पल के, और इंचेंटेड एप्पल तो बैन है, उसको तो बना भी नहीं सकते ना, लूट सकते उसको कहीं से, मिलेगा ही नहीं वो। तो भाई मेरा हेल्थ बूस्ट तो हुआ, और ये कुछ 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हुआ है। मेरे पास एक गोल्डन एप्पल था तो वो मैंने खा लिया, तो उससे मेरे 2 हार्ट फिल हो गए, और थोड़ी देर के बाद वो हेल्थ बूस्ट का ऑप्शन भी खत्म हो गया, मतलब वो 1.5 या 2 मिनट के लिए था, तो मेरे हार्ट वापस से बैक हो गए। बट यार रीजनरेट कर लेता इतने सारे हार्ट तो मजा ही आ जाता। मुझे कुछ ना कुछ परमानेंट चाहिए भाई रीजनरेशन का। फिलहाल मेरे को स्पोनर मिल चुका है, एक स्पोनर यहाँ पे मिल गया, तो मैं राइट हैंड से क्लिक करके इसका एग निकाल लेता हूँ, और इसको उठा करके लेके चलते हैं अपने मॉब फार्म में। और यहाँ पे मुझे लगता है एक और स्पोनर है ऊपर की तरफ, तो वो भी उठाना पड़ेगा मुझे, तो मेरे पास 2 स्पोनर हो जाएंगे। और यहाँ पे गाइस मेरे पास 2 स्पोनर हो चुके हैं, अब इनको मॉब फार्म में लगाते हैं और फटाफट से अपने मॉब फार्म को ऑन करके देखते हैं कि एक्सपी और सामान वगैरह मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी कि लूट। अंदर पूरा अंधेरा कर देता हूँ, ये जो टॉर्चे लगी हुई थी इनको भी हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाए, और ये जो स्पोन है अपने नेचुरल तरीके से ज्यादा स्पोन हो। लेकिन भाई एक दिक्कत हो गई, जाते जाते मेरे को पीछे से तीर मार दिया स्केली ने, और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। लिटरली गाइस आई डोंट नो ये क्या था। इसके बाद मेरे 2 ही हार्ट बचे, मैं घर के अंदर आया, मैं बौखला चुका था कि मैं करूँ क्या, मेरे फालतू के हार्ट जाए जा रहे थे भाई। इसमें रीजनरेशन भी नहीं हो सकता, ना मेरे पास रीजनरेशन का पोशन है, ना मेरे पास कुछ अब रिसोर्सेज बचे क्योंकि मैं सारे ही रिसोर्सेज खत्म कर चुका हूँ, ना मुझे कुछ नोटिफिकेशन है कि ये मेरे साथ हुआ क्या, अजीब सा हुआ था मुझे कुछ डैमेज। और वो बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ मैंने पहली बार देखा है माइनक्राफ्ट में, ऐसा बहुत ज़्यादा हॉरर हो रहा है मेरे साथ। होली क्रैप, ये अपने आप क्यों चल रहे हैं कंट्रोल्स, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है प्लेयर, ये क्या हो रहा है भाई। ये पीछे क्या पोर्टल बना हुआ है, ये क्या पेंटिंग भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हेलो व्हाट, ये कहाँ आ गया मैं, ये कैसी दुनिया है भाई, व्हाट हीरो ब्रेन कैसे आ सकता है इस वर्ल्ड में, और ये कौन है भाई, ये इसका हाथ, ये। सो यह गाइस स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है। तो क्या आपको लगता है कि मैं 1 हार्ट में रह करके अपनी लाइफ को बचा पाऊंगा, और ये भाई कौन से वर्ल्ड में मेरे को टेलीपोर्ट करा दिया गया है, और कौन था और टेलीपोर्ट करने वाला मुझे यहाँ पे। भाई वैसे ही मेरे साथ इस गेम में शुरू से हॉरर थिंग्स हो रही थी, और अब पता नहीं आगे क्या होगा। अगर आप लोग आगे का वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 20,000 लाइक कर देना। और हाँ भाई, हम हर फ्राइडे को एक वीडियो डालेंगे 100 डेज की। आई नो ये गैप थोड़ा ज्यादा है, पूरा 1 हफ्ते का है, बट डेफिनेटली गाइस हम कॉन्स्टेंट होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और हर शुक्रवार को तो वीडियो आएगी ही आएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। एंड भाई ये कौन थे जरा कमेंट सेक्शन में मुझे भी तो बताओ। चाओ चाओ।